नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे जहानाबाद की, जहां जागरूक जनता पार्टी उम्मीदवार दीपक कुमार ने गांव गांव जाकर मांगा जन आशीर्वाद। आगे बात होगी महाराष्ट्र की, जहां छत्रपति संभाजीनगर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी जिले में पानी की कमी के मुद्दे पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां बंद घर से नकदी जेवर समेत लाखों की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जहानाबाद जिले से है, जहां लोकसभा से जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक कुमार को चुनाव चिन्ह फुटबॉल प्लेयर खिलाड़ी छाप क्रमांक संख्या 8 पर जन आशीर्वाद वोट डालने हेतु भिन्न भिन्न गांव में नुक्कड़ नाटक चुनावी गीत के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। थाना मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के गुलगुलिया मखदूमपुर गाँव में भी नुक्कड़ नाटक किया गया। मौके पर राधा स्वामी संगठन के जिला प्रभारी जहानाबाद के धनंजय कुमार एवं जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार, ब्लॉक प्रभारी जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर विकास कुमार एवं शैलेश कुमार एवं राधा स्वामी संगठन के समस्त कर्मचारी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित रही। जहानाबाद से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी जिले में पानी की कमी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिले के जिन ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी है, वहां 15 जून तक किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर दिलीप स्वामी की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सामने आई। जिल्हा भरामध्ये सध्या पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने 678 टँकरद्वारे ग्रामीण भागामध्ये पाणीपुरवठा सुरू आहे। जवळजवळ 412 आणि 61 वाड्या यांना या 678 टँकरमार्फत पाणी पुरवठा सुरू आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण विहीर अधिग्रहित केलेले आहेत। जवळजवळ 285 गावासाठी 346 विहिरीचं अधिग्रहण केलेलं आहे आणि या विहीर अधिग्रहणामार्फतून सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणीपुरवठा ग्रामीण भागातील नागरिकांना केला जातो आहे। माझं विनम्र आवाहन सर्व नागरिकांना असणार आहे की या सर्व सुविधेनंतरही काही गावामध्ये जर पाणी टंचाई किंवा चारा टंचाई असेल तर त्यांनी पुढच्या 3 दिवसांमध्ये तहसीलदाराकडे एक रितसर निवेदन किंवा अर्ज आपण द्यावा, वस्तुस्थिती दर्शक तो अहवाल किंवा मागणी असली पाहिजेत। आम्ही संपूर्ण तहसीलदाराकडून त्यांच्या आलेल्या अर्जाचा किंवा निवेदनाचा अभ्यास करू आणि ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या त्या ठिकाणी तातडीनं पुढच्या 1 आठवड्यामध्ये ज्या काही माध्यमातून पाणी पुरवठा करता येईल ते माध्यम त्यांना आम्ही उपलब्ध करून देऊ। कुठलाही नागरिक किंवा कुठल्याही गावातील व्यक्ती पाणी पुरवठ्या वाचून वंचित राहणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेतो आहोत। शासन स्तरावरून सुद्धा तशा सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत की चारा टंचाई आणि पाणी टंचाईच्या बाबतीमध्ये कुठलीही यंत्रणा हवेली करणार नाही आहे। आज रोजी आमच्याकडे आमच्या SDM ऑफिसला कुठलाही टँकरचा प्रस्ताव प्रलंबित नाही आहे आणि निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये सुद्धा दर आठवड्याला मी याच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतलेल्या आहेत। आज रोजीसुद्धा पूर्ण जिल्हाभरामध्ये आमची महसूल यंत्रणा, ग्रामविकास यंत्रणा, पाणीपुरवठा यंत्रणा जॉईंटली टंचाईग्रस्त गावाला भेटी देऊन त्यातील गावकऱ्यांना भेटणे, त्यांच्याशी हितगुज करणे, त्यांना कोणत्या कोणत्या पद्धतीनं पाणीपुरवठा आम्ही करतो आहे ते त्यांना समजावून सांगणे, त्यांची काही मागणी असेल तर ती मागणी नोंदणी करून घेणे, टँकरद्वारे जे पाणीपुरवठा होत आहे ते चांगल्या दर्जाचं होत आहे का नाही याचीसुद्धा तपासणी आम्ही सध्या करतो आहोत आणि ती मोहीम मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या सुरू आहे। जिल्हा प्रशासन पाणी टंचाई आणि चारा टंचाईच्या बाबतीमध्ये अतिशय दक्ष आहे। कुठल्याही नागरिकांना किंवा कुठल्याही पशुधन मालकाला कुठलीही अडचण येणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेतो आहोत। सध्या काय बोलत नाही त्याच्यावर, कारण निर्णय घेतला नाही। पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने आम्ही काही आदेश निर्गमित केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये भूजल अधिनियमाच्या अंतर्गत काही आम्हाला अधिकार आहेत। त्यामध्ये ज्या ठिकाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याची विहीर किंवा बोर आहे त्याच्या 500 मीटरमध्ये कुठलेही विहीर किंवा नवीन बोर त्या ठिकाणी खोदता येणार नाही आहे, त्याला सध्या आम्ही बॅन घातलेला आहे। जिल्ह्यातील चारा बाहेरच्या जिल्ह्यात जाऊ नये म्हणून चारा वाहतुकीला आम्ही बंदी घातलेली आहे। त्याच्यासोबतच ग्रामीण भागामध्ये जर कुठं पाण्याचा वापर बांधकाम किंवा तत्सम कामावर होत असेल आणि त्या परिसरात जर टंचाई असेल तर सध्या पिण्याला पाणी हा प्राधान्यक्रम आहे।
त्यामुळं अशा इतर कुठल्या बांधकाम किंवा तत्सम कामासाठी जर पाण्याचा वापर होत असेल तर त्यांना 15 जूनपर्यंत ते काम थांबून घेण्यासंदर्भातल्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत आणि सर्व दृष्टिकोनातून कायदेशीर बाबीचा वापर करून टंचाईवर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. पाणी की किल्लत. महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट. सामाजिक कार्यकर्ता एवं भावी विधायक मनोज पवार की ओर से शोक संतप्त परिवार को आर्थिक मदद. छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ तालुका के अहमदाबाद और करंजखेड़ में सामाजिक कार्यकर्ता एवं भावी विधायक और कन्नड़ तालुका के प्रभावशाली उद्यमी मनोज पवार द्वारा आज शोकाकुल कुटुंब के परिजनों से सांत्वना पर बैठक दी गई और मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया गया. महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता रविन्द्र खरात की रिपोर्ट. पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर मोहल्ले में स्थित बिन कुमार मिश्रा के घर में भीषण चोरी हुई. चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी सहित जेवरात की चोरी की. चोरों ने सभी घर के दरवाजों के तालों को तोड़ा. सभी रूम में रखे अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे नकद और जेवरात चोरी किए. बताया जा रहा है कि घर में कोई सदस्य नहीं था, इलाज करवाने के लिए हैदराबाद गया हुआ है. जब सुबह नौकरानी घर आई तो देखा कि अंदर से दरवाजा बंद पड़ा है. इसकी सूचना मकान मालिक को दी गई. उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद नौकरानी ने फोन पर मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी सह नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन सह दल बल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि घर बंद था, घर में कोई नहीं था, सभी लोग इलाज करवाने के लिए हैदराबाद गए हैं. बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी हुई है. पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है. मकान मालिक के आने के बाद ही पता लग सकेगा क्या कुछ चोरी हुआ है. सिद्धार्थनगर में इनके यहाँ पे रात में चोरी हो गया है. तो सर क्या घर में कोई नहीं था? कहा जा रहा है कि ये शनिवार के रात को ही, शनिवार से ही ये यहाँ से दूसरे सिटी चले गए थे हैदराबाद में इलाज के, और ये 3-4 दिन से यहाँ पर थे. मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ एक दिन पहले रेकी किया गया है, उसके बाद ऐसा घटना को अंजाम दिया गया. क्या क्या सर चोरी हुई? हमारे की ज्वेलरी है और कुछ कैश है. उसका टोटल एस्टिमेशन अभी ये कैलकुलेट ही कर रहे हैं. सर चोरी कैसे? फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि ये दीवार फांद करके और अंदर में जितना भी गेट था उसको तोड़ करके, लॉकर तोड़ करके, और ये शातिर जो क्रिमिनल है ना, उस तरह का एमओ है, मॉडस ऑपरेंडी ऐसा प्रतीत होता है. सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अभी उसमें सिग्नल नहीं आ रहा, तो टेक्नीशियन को बुला करके उसको एनालिसिस किया जाएगा. थैंक यू सर. पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट. सिवनी जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंडोल में पशु आहार संयंत्र में अचानक आग लग गई. आग किन कारणों से लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है. समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से काफी आग पर काबू पा लिया गया. सूत्रों की माने तो फैक्ट्री के अंदर रखा 50 लाख का माल जलने से बच गया है. फैक्ट्री के अंदर आग पर काबू पाने के लिए किसी प्रकार का अग्नि संयंत्र नहीं था और ना ही वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का कोई इंतजाम था. सिवनी से सीनियर संवाददाता रामकुमार रजक की रिपोर्ट. फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.